Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET paper 1, paper 2 commerce and management. So हमने जैसे कि अपने पुराने वीडियो में कवर किया था गवर्नमेंट स्कीम टॉपिक जो कि एक हायर एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है या क्रूशियल टॉपिक आप कह सकते हैं और उसके अंदर हमने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वॉज गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें हमने पार्ट 1 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8 स्कीम्स कवर करी थी जिनसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ तो अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आप 20 मिनट के अंदर जो 8 स्कीम्स सीख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए हुए आई लिंक पे क्लिक कर हमारे चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको यूजीसी नेट से आने वाले सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहे। सो आज हम इस पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड आई एम श्योर कि ये स्कीम्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या स्कीम्स हैं। तो जो पहली स्कीम आज हम कवर करने वाले हैं वो है विद्या वीरता अभियान। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इन स्कीम्स में मैं बस आपको ये नहीं बताऊंगा कि स्कीम्स क्या हैं, रादर आपको कुछ टिप्स एंड सजेशंस भी दूंगा कि आप इन स्कीम्स को कैसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है ध्यान देने वाला वो है वीरता। इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ सोल्जर्स से रिलेटेड स्कीम के बारे में बात करेंगे या आप कह सकते हैं कि आप करेज या इससे रिलेटेड चीजों के बारे में सीखेंगे। सो देखते हैं। विद्या वीरता अभियान इज टू इनकरेज वर्सिटीज दैट इज यूनिवर्सिटी टू डिस्प्ले पोर्ट्रेट्स ऑफ परमवीर चक्र डेकोरेटेड सोल्जर्स। सो यहाँ पे एम क्या है स्कीम का कि स्टूडेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैट्रियाटिज्म की भावना लानी है, नेशनलिज्म की भावना लानी है, इसलिए जो परमवीर चक्र होल्ड डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं हमारे उनके पोर्ट्रेट्स को स्कूल्स में रिप्रेजेंट करना है या आप कह सकते हैं दिखाना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस स्कीम का। वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करें, यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री विल सून हैव अ वॉल ऑफ हीरोज डिपेक्टिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ सोल्जर्स हु शोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज इन डिफेंडिंग द नेशन। सो जैसे जैसे देखा गया है कि ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म की भावना है, सो उस चीज़ को और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, उस चीज़ को और थोड़ा पुश करने के लिए, ताकि जो डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं उनके उनके फैमिली की तरफ और जो बाकी जो सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है या जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उनकी तरफ थोड़ा और बेनेवोलेंस शो करने के लिए ये ऐसा किया गया है। इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, आपकी जो रिस्पेक्ट है या आप कह सकते हैं जो आपकी भावना है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी सोल्जर्स की तरफ। तो इस एम से इस स्कीम को लाया गया था। अब थोड़ा सा परमवीर चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेटेड अवार्ड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स एंड वैलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। सो जिन सोल्जर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है या फिर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री वॉर्स एंड ऑल, उनको ये अवार्ड दिया जाता है और ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेटेड अवार्ड भी कहलाया जाता है। इट कैन बी अवार्डेड टू ऑफिसर्स और एनलिस्टेड पर्सनल फ्रॉम ऑल ब्रांचेस ऑफ इंडियन मिलिट्री। सो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ हमने परमवीर चक्र के बारे में भी सीख लिया है। सो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस अवार्ड से रिलेटेड है ये स्कीम और क्या किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। सो वो दोनों बातें हमने सीख ली है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, वित्तीय साक्षरता अभियान। तो यहाँ पे स्कीम को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको वित्तीय का मतलब पता हो। सो वित्तीय का मतलब इंग्लिश में होता है फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड। सो इस स्कीम के बारे में समझते हैं। विशाखा इज अ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन। सो यहाँ पे आपको एक और टर्म दे दिया गया कि विशाखा नाम की एक स्कीम थी या कैंपेन था जो फाइनेंशियल लिटरल बनाने के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता चले, डिजिटल लिटरेसी के बारे में पता चले और किस तरीके से वो डिजिटल पेमेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं चीज़ों की पेमेंट को करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2016। ये विशाखा के बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ऑल्सो एम्स टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कंप्लीटली डिजिटल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर स्कीम का कि जितने भी आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ योर फीस या आप अपनी स्कॉलरशिप्स के टर्म्स में कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं या आप कह सकते हैं कि आप कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपको पेमेंट होनी है, डिसबर्स होनी है, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस को डिजिटली बनाने का ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। ऑल्सो विशाखा एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डिजिटल इकोनॉमी एंड कैशलेस मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। सो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शंस डिजिटल फॉर्म में होंगे, कैशलेस फॉर्म्स में होंगे, उतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा लोगों के लिए पेमेंट करना,
तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स. इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था ये देख लेते हैं. इट इज टू एक्टिवली इंगेज द स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू इनकरेज देम टू यूज अ डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स. फिर से सेम चीज रिपीट की जा रही है कि बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी. वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका. अ वेब पेज हैज बीन लॉन्च वेयर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स कैन प्रोवाइड देयर फीडबैक एंड सजेशंस ऑन देयर इनिशिएटिव्स एज वेल एज अपलोड द प्रोग्रेस ऑफ देयर वर्क. इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स कुछ फीडबैक देना चाहते हैं स्कीम से रिलेटेड कि स्कीम को और बेटर बनाया जाए तो वो भी इस वेब पेज के थ्रू कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ध्यान रखने हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ. इम्प्रिंट इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज इस टाइम पे गवर्नमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और ये स्कीम डायरेक्टली रिसर्च एंड इनोवेशन से ही लिंक्ड है. आइए इसके बारे में जानते हैं. इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इज द फुल फॉर्म फॉर इम्प्रिंट एंड वॉज लॉन्च इन द ईयर 2015 में भी ये लॉन्च की गई थी. क्या ऑब्जेक्टिव था इसका. इम्प्रिंट इंडिया हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया टू बूस्ट ओरिजिनल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च. तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके की रिसर्च पे ये स्कीम फोकस्ड है, दैट इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च. और इसका एम क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को मोटिवेट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के तरफ बढ़ें और उससे ज़्यादा इनोवेशन लाएं. अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि स्कीम का पर्पस क्या होगा. अभी तक हमारी जो मेजॉरिटी डिपेंडेंस रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो फॉरेन कंट्रीज पे रही है. सो ये स्कीम इस चीज़ को फोकस कर रही है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सकें. हम खुद में सफिशिएंट होने चाहिए कि हमें किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना हो. और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें. आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ इमीडिएट रेलेवेंस टू सोसाइटी रिक्वायरिंग इनोवेशन. जैसे ही गवर्नमेंट ने कैशलेस इकोनॉमी के बारे में बात करी, बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स ऐसे थे, जैसे आपने सुना होगा पेटीएम पहले से एग्जिस्ट करता था, उसने भी अपने ट्रांजेक्शन बढ़ा दिए, नए नए फीचर्स ऐड कर दिए. उसके बाद हमने फ़ोन पे देखा, इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा ई वॉलेट सिस्टम धीरे धीरे प्रमोट होकर नए नए वॉलेट्स आने लगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स यूज़ कर सकें. नेक्स्ट, डायरेक्ट साइंटिफिक रिसर्च टू आइडेंटिफाइड एरियाज. कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जिसमें आप साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट कर सकें जो कि यूजफुल भी होनी चाहिए. इंश्योरिंग हायर फंडिंग सपोर्ट फॉर रिसर्च इन टू दीज एरियाज. अब जैसे आप देखते हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी टाइम जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है फाइनेंशियल सपोर्ट, कि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता. क्योंकि एक अच्छी रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू डेटा, विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर, विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए. इसलिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान रखा जाएगा. मेजरिंग आउटकम्स ऑफ रिसर्च एफर्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्पैक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल और अर्बन एरियाज. तो जैसे ही जो भी आप रिसर्च करते हैं, मैं पहले भी अपनी रिसर्च की वीडियोज में बोल चुका हूँ, उसका एम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप एक थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करें, रैदर उसका एम ये भी होना चाहिए कि आप रूरल और अर्बन एरियाज के जो भी इशूज हैं, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाए. क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए जिसमें आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करें. अगर आपका सारा का सारा जो एम है वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या एक जनरल पब्लिकेशन से रिलेटेड है तो आप अच्छे रिसर्चर भी नहीं माने जाते हैं. आगे चलते हैं. फोकस एरिया क्या कहते हैं. इम्प्रिंट इंडिया विल फोकस ऑन 10 थीम्स. तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मेजर और आपको भी जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मेजर एस्पेक्ट चीज़ क्या है कि एक एक आईआईटी को अलग अलग थीम पे फोकस करने के लिए एलोकेट कर दिया गया है. ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इतने डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. ये प्रोग्राम दो फेजेज में होगा. अंडर इम्प्रिंट वन प्रोग्राम 142 प्रोजेक्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ 318.71 करोड़ आर ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन. And under the imprint 2, again the funds would be created by Department of Science and Technology and Human Resource Development Ministry together. तो again funds related चीज़ें हैं, ज़्यादा important नहीं है. आपको imprint का purpose, उसके areas, उसका objective और दो phases में है, बस इतना पता होने की ज़रूरत है. अगले scheme की तरफ चलते हैं. उच्चतर आविष्कार अभियान. अगेन यहाँ पे जो टर्म आया है वो आया है आविष्कार. सो कई बार क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से. फॉर एग्जांपल अगर आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शंस में मेंशन है जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं रिलेटेड टू इनोवेशन, सो यहाँ पे आप इनोवेशन वर्ड अगर आपको दिख रहा है कहीं भी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है वो आविष्कार है,
तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, गेस भी कर सकते हैं कि इनोवेशन आंसर हो सकता है। तो कई बार अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। उच्चतर आविष्कार अभियान एम्स टू प्रमोट इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड बेस्ड रिसर्च इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू कीप अप द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इन द ग्लोबल मार्केट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे जो फोकस है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड के बारे में बात की जा रही है। तो आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, वेदर इट बी ऑटोमोबाइल, वेदर इट बी फार्मास्यूटिकल्स और इट बी मेडिकल, अगर आप वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं कि वहाँ किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड इंडस्ट्री कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, सो आपको अपनी इनोवेशन एंड रिसर्च उस कंटेक्स्ट में करनी है कि आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें एंड फाइनली जो भी आप रिसर्च अंडरटेक करें वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने चाहिए, वो उसके सॉल्यूशन को प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। सो ऑल द IITs हैव बीन इनकरेज टू वर्क विद द इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई सच एरियाज वेयर इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। सो सेम चीज है। तो यहाँ पे सिंपल चीज आपको क्या याद रखनी है कि इनोवेशन की तरफ फोकस किया गया है और इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड बेस्ड रिसर्च पे फोकस किया गया। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको यहां पे याद रखने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। यहां जिस वर्ड पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो वर्ड है नेटवर्क, बिकॉज यहाँ पे कुछ नेटवर्किंग की जा रही है, कुछ कोलैबोरेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। सो आप कई बार स्कीम का नाम से ही काफ़ी चीज़ों के बारे में या क्या उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉबेबल उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। नाउ ज्ञान वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2015, द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट द पार्टनरशिप। जैसे कि मैं अभी आपको कह रहा था कि नेटवर्किंग है तो कोलैबोरेशन जरूर होगा बिटवीन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो आपको यहाँ पे मिल गया आंसर की किन दो लोगों के बीच में कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप हो रही है। एक तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में हैं एंड दूसरे फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो जब भी हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप वहां से जो नॉलेज शेयरिंग है, जो टेक्निकल नॉलेज है वहां की, जो एडवांस नॉलेज है वहां की, उसको आप इंडिया में बेसिकली ला सकें, उनसे आप नॉलेज गेन कर सकें एंड फाइनली उसे एग्जीक्यूट करें ताकि आप इंडिया में भी सेम तरीके की रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर सकें। तो ये इस पर्टिकुलर एम का ऑब्जेक्टिव है। और थोड़े से ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू आर फैकल्टी टू लर्न एंड शेयर नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स इन कटिंग एज एरिया। सो जो भी चैलेंजिंग एरियाज हैं, जो भी बहुत ही ऐसे एरियाज हैं जिसमें रेगुलर अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप उनसे कोलैबोरेशन करके चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू आर स्टूडेंट्स टू सीक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम रेप्यूटेड इंटरनेशनल फैकल्टी। सो फॉर एग्जाम्पल, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे पास खुद में इतनी अच्छी रिसर्च फैकल्टीज हैं, इतनी अच्छी फैकल्टीज हैं, फिर क्या जरूरत है इंटरनेशनल फैकल्टी से कोलैबोरेट करने की। तो जैसे कि आप कुछ कंट्रीज के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल USA, चाइना, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं और इन इकोनॉमीज में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या जो चीज़ें बन के आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स बन के आ रही हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। सो अगर हम उनके एक्सपीरियंस से कोई चीज़ें सीख सकें, उनसे कुछ नॉलेज से हम अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। अगेन, सिंस अब आप देखेंगे कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5% कोटा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए आ गया है, तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। सो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकें और उनके नॉलेज से खुद को बेनिफिट कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू इंक्रीज द फुटफॉल्स ऑफ रेप्यूटेड इंटरनेशनल फैकल्टी इन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। सो वही सेम चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी हमें विजिट करेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग कर पाएंगे। इस स्कीम का इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑफ द इनिशिएटिव वुड बी ऑगमेंट कंट्रीज एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज का बंडल है वो बढ़ जाएगा। एक्सेलरेट द पेस ऑफ क्वालिटी रिफॉर्म एंड एलिवेट द साइंस, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी टू ग्लोबल एक्सीलेंस। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, दैट इज द 14th स्कीम, ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस, दैट इज अस्मिता। अस्मिता इसका शॉर्ट फॉर्म है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल से रिलेटेड बात हो रही है और ट्रेसिंग से रिलेटेड बात हो रही है। सो कुछ ना कुछ ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी जो मैं स्कीम के नाम से ही बता सकता हूँ। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इट विल बी एन ऑनलाइन डेटाबेस दैट विल कैरी इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट अटेंडेंस। सो यस, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अब बुरी खबर है कि जो उनका उनकी अटेंडेंस है, जो उनके पेरेंट्स ट्रैक नहीं कर पाते थे, अब वो ऑनलाइन ही ट्रैक हो पाएंगे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
और साथ ही साथ उनका लर्निंग आउटकम, मिड डे मील स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सारी चीज़ों को एक डेटाबेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, अस्मिता इज लॉन्च्ड अंडर शाला अस्मिता योजना टू ट्रैक द एजुकेशनल जर्नी ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू 12 अक्रॉस 15 लाख प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स इन द कंट्री। सो जो भी क्लास 1 से लेकर 12 के स्टूडेंट्स हैं उनकी टोटल जर्नी, एक आप कह सकते हैं एक फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस, कि वो कितना अपने एजुकेशन में, कितने अपने परफॉर्मेंस में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, उसका प्रॉपर एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखा जाएगा ऑनलाइन, ताकि उनके टीचर्स अलॉन्ग विद पेरेंट्स वो देख सकें, उस परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें और उसमें सफिशिएंट मेजर्स लिए जा सकें उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को ट्रैक कैसे किया जाएगा? स्टूडेंट्स वुड बी ट्रैक टू देयर आधार नंबर्स। जैसे कि आपने देखा कि आधार मोस्टली मैंडेटरी हो गया है आजकल, हर बच्चे के पास है, हर इंसान के पास है आधार नंबर्स, तो उसके बेसिस पे उन्हें ट्रैक किया जाएगा। और अगर ये नहीं अवेलेबल है तो उन्हें कोई और यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये इस स्कीम के अंदर था। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो यहां पे जो मैं फोकस करना चाहूंगा वर्ड पे वो है माध्यमिक। इसका मतलब होता है कि सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। जो सेकेंडरी एजुकेशन आती है बेसिकली आपकी क्लास 9th और 10th के अंदर। सो आप आराम से, अगर आप वर्ड्स पे ध्यान दें, मेरी बातों को सुन रहे हैं, निमोनिक्स को सुन रहे हैं, बहुत आसानी से आपको स्कीम साथ ही साथ याद होती जाएगी। देखते हैं स्कीम के बारे में। द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम इनिशिएटेड इन द ईयर 2009। सो 2009 के अंदर ये स्कीम लाई गई थी। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्हांसिंग एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। सो जैसे कि देखा गया है कि काफ़ी सारे रूरल एरियाज में एंड इवन अर्बन एरियाज में 8th के बाद स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं। सो यहाँ बेसिकली एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनरोलमेंट बढ़ाया जा सके इन सेकेंडरी एजुकेशन। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखते हैं। द स्कीम एनविगेजेस टू अचीव अ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ 75% फ्रॉम 52.26% इन द ईयर 2005-06 फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो जैसे मैंने कहा कि अभी जो उनका इनरोलमेंट है क्लास 9th एंड 10th का वो 52% के आसपास है। तो यहाँ पर टारगेट ये है कि 5 साल के टाइम में, दैट इज इंप्लीमेंट करने के 5 साल के अंदर अंदर, इस ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 75% तक ले जाया जा सके। तो ये आप परसेंटेज आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंपार्टेड एट सेकेंडरी लेवल। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी ध्यान देना है। रिमूव जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स। तो जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासों में आते हैं, 9th एंड 10th में आते हैं, बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी भी हो जाती है कि गर्ल्स ड्रॉप आउट कर देती हैं स्कूल से, स्पेशली इन रूरल एरियाज। सो इस चीज़ का भी खास करके ध्यान देना है। एंड सिमिलरली डिसेबिलिटी, कुछ जो डिसेबिलिटी प्रोन स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है वो भी स्कूल जाना कम कर देते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017, दैट इज सबको एजुकेशन प्रॉपरली दी जा सके, ये 12th 5-year प्लान का भी पार्ट है। इन्हांस एंड यूनिवर्सलाइज रिटेंशन बाय 2020। सो बहुत ज़्यादा इन्हांस भी करना है और उसे यूनिवर्सल कर देना है ताकि सबको वो एक्सेसिबल मिल सके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस स्कीम के अंदर ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। 16th स्कीम है हमारी शाला सारथी अभियान। सो देखते हैं क्या है इसके अंदर। इट इज़ अ स्टेट एनजीओ सीएसआर पोर्टल। सो स्टेट गवर्नमेंट का एक एनजीओ से रिलेटेड एक सीएसआर का पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंदर एम क्या है कि एक कोलैबोरेशन की जा सके स्टेक होल्डर्स इन शेयरिंग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन वेरियस स्कूल्स। सो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि जहाँ पे आप रेगुलर इनोवेशन के बारे में बात करते हैं स्कूल में, रादर इन्हांस करने की कोशिश करते हैं नई नई स्कीम्स को, नए नए प्रोफेशनल एक्ट्स को जो इनोवेशन को प्रमोट करती है। तो इस शाला सिद्धि के अंदर एक कॉम्प्रहेंसिव स्कूल इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया जाएगा, जहाँ पे क्वालिटी बेस्ड पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या जो परफॉर्मेंस है वो क्वालिटी ओरिएंटेड है या फिर हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स एन स्टेट एनजीओ सीएसआर बेस्ड पोर्टल और यहाँ पे जो फोकस्ड है वो क्वालिटी बेस्ड पैरामीटर्स पे है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं स्कीम के। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाउ ये स्कीम के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नेट जीआरएफ के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि अब जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने के लिए, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो एजेंसी को चुना गया है, जिस इंस्टीट्यूट को चुना गया है, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। इट विल बी रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस के अंडर रजिस्टर्ड है ये इंस्टीट्यूशन। और थोड़ा सा जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में।
It will act as an autonomous and self-sustained premier testing organization chaired by eminent educationists appointed by Ministry of HRD. So, उसको बिल्कुल autonomy दे दी गई है in terms of setting their paper, in terms of examination. जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा syllabus में भी improvements आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा exam भी अब online हो गया है जो कि पहले offline हुआ करता था, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा level of questions में भी changes आ रहे हैं. जैसे पहले बहुत ज़्यादा direct question पूछे जाते थे, बट अब बहुत ज़्यादा application question पे ध्यान हो चुका है. So, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. इट वुड कंडक्ट दोज एग्जामिनेशन विच आर करंटली बीइंग कंडक्टेड बाय सीबीएसई, नीट, जेई, एआईसीटी एक्सेट्रा. सो बेसिकली अब ये सारे एग्जाम्स जो पहले सीबीएसई वगैरह कराते थे, ये अब नेट एनटीए कराएगा. मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, सो द एंट्रेंस एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना कि अब सारे ये सारे जो एग्जाम्स हैं जो ऑफलाइन होते थे वो अब ऑनलाइन हो गए. ग्रांट के बारे में बात करें, इट बी गिवन अ वन टाइम ग्रांट ऑफ 25 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन द फर्स्ट ईयर. देयर आफ्टर इट विल बी फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल. सो पहली बार उसको 25 करोड़ का एक ग्रांट मिल जाएगा गवर्नमेंट से इन ऑर्डर टू कंडक्ट ऑल द टेस्टिंग एंड मेक ऑल सूटेबल अरेंजमेंट्स. और उसके बाद उसको सेल्फ सस्टेनेबल माना गया कि एक बार आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर दिया तो जो भी आप फीस से इनकम लेते हैं उससे आप अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं आज की लास्ट स्कीम की तरफ, जो कि हमारे पार्ट टू ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट होने वाली है. दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत. अगेन अगर आप वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो एक भारत का मतलब है बेसिकली एक यूनिटी के बारे में बात की जा रही है. जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से यूनाइटेड रहेंगे तो तभी हम एक अच्छा भारत एस्टैब्लिश कर पाएंगे. सो ये आपको एक आइडिया लग गया स्कीम के बारे में. देखते हैं क्या है स्कीम के अंदर. इट वॉज अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द ईयर 2050. सो आपको यहाँ पे ईयर याद कर लेना है और किसके बर्थडे पे हुआ था ये भी आपको पता चल गया. इट एम्स टू एक्टिवली इन्हांस इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग ग्रेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग. सो जैसे मैंने आपको कहा कि एक भारत के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब जब तक आप दूसरे स्टेट से कल्चर्स को नहीं समझेंगे, आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, एक दूसरे को हेल्प नहीं कर सकते हैं. तो ये इसका मेजर एम है. वर्क प्रोसेस क्या है, ईच ईयर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वुड बी पेयर्ड विद अनदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया फॉर रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल. सो यहाँ पे एक कोलैबोरेशन बनाई जाएगी स्टेट टू स्टेट की, ताकि आप इंटरेक्शन को बढ़ा सकें. राष्ट्रीय एकता शिविर, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, वॉज ऑर्गेनाइज टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम. सो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता शिविर एक इंटीग्रेशन कैंप लगाया गया था, ताकि काफ़ी सारे स्टेट्स के लोग वहाँ पर आएँ और एक दूसरे से मिले जुलें. An indicative list of activities have been drawn and circulated to state governments as well as union territories through the key of central ministers. मतलब इससे related जो भी activities conduct करनी है उसके बारे में already list जो है वो update कर दी गई है और governments और union territories को भेज दी गई है. तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी elements आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि किसके birth anniversary पर वो आया था, किस year में launch हुआ था और उसका major objective क्या है. Impact देखने की कोशिश करें. Through this exchange, the knowledge of the language, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विल लीड टू इन्हांस अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग. सेम वही चीज रिपीट की जा रही है कि एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बाय अंडरस्टैंडिंग द कल्चर. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप जो ये आज हमने 8-9 स्कीम्स कवर करी है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. और अगर आपने यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुना है, एक एक जो टर्म्स मैंने बताए हैं, इवन मैं आपको याद भी करा रहा था कि किस तरीके से आप स्कीम को याद कर सकते हैं, अगर आपने इन सारी बातों पर ध्यान दिया है तो आप बहुत आसानी से इन 8-9 स्कीम्स को ग्रैब कर पाएंगे. और अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया है तो मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूं कि जो 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस आते हैं हायर एजुकेशन में, उसमें से जो 1-2 क्वेश्चंस करेंट से आ जाते हैं स्कीम्स के ऊपर, वो आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.